तो दोस्तों मैं आ गया हूँ आप लोग और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लगा दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही अच्छा कर जो मैं आप लोग के लिए व्हाट्सअप का कुछ ट्रिक लेके हो तो मतलब ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट है छोटी है तो आप लोग देख लेना है दोस्तों। बहुत ही खतरनाक ट्रिक लेके हो आप लोगों के लिए और बहुत ही यूजफुल ट्रिक है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा बता नहीं करते हुए चले चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों पहली बात अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलते हमारे पहले नंबर ट्रिक के अंदर। पहले आप लोग पहले व्हाट्सएप पे चले जाइए, व्हाट्सएप का ट्रिक है ना इसलिए व्हाट्सएप पे जाना ही होगा। तो व्हाट्सएप में जाने के बाद आप लोगों को जाना होगा थ्री डॉट में। दोस्तों थ्री मतलब पहले वाला ट्रिक है क्या दोस्तों, आप लोग सिंपली देख सकते हो कि आप लोग किससे कितना मैसेज किए हो, मतलब करते हो किससे कितना मैसेज करते हो। तो इसमें आप लोग देख सकते हो एक मतलब फीचर्स दिए हुआ है व्हाट्सएप में, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कैसे देखते हैं। सिंपली आप लोग थ्री डॉट में चले जाओ। तो थ्री डॉट में जाने के बाद सेटिंग्स में चले जाओ। सेटिंग्स में जाने के बाद ही यहाँ पे देख सकते हो बहुत कुछ ऑप्शन दिया हुआ है इधर ही, अकाउंट चैट्स नोटिफिकेशन डेटा एंड स्टोरेज यूजेस दिया हुआ है। तो आपको जाना क्या पे, यहाँ पे देख सकते हो डेटा एंड स्टोरेज यूजेस में जाना है। तो इसमें जाने के बाद थोड़ी यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड वाले ऑप्शन में मतलब नेटवर्क यूजेस के नीचे देख सकते हो स्टोरेज यूजेस में जाना है आपको और कर देना टैप। और टैप करने के बाद ही यहाँ पे देख सकते हो आप किससे कितना मैसेज करते हो, यहाँ पे आप लोगों को MP के थ्रू KB के थ्रू मतलब शो कर देगा आप लोग इससे इतना मैसेज करते हो। तो आप लोग यहाँ से कर क्या सकते हो, ये इससे काम क्या होगा, सो इससे आप लोग आपका मेमोरी जो है मोबाइल मतलब स्टोरेज जो है फ़ोन स्टोरेज को क्लीन कर सकते हो। इससे आप लोग को मतलब गेमिंग जो है वो मतलब जो गेमिंग का लैग प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही चलो दोस्तों, तो ऐसे करके आप लोग मोबाइल को क्लीन कर सकते हो मतलब स्टोरेज सेव कर सकते हो। मतलब होता है ना कोई जंक मैसेज होता है तो उससे आप लोग अभी मैसेज नहीं करते हो तो उसका मैसेज डिलीट कर सकते हो, फुल क्लीन कर सकते हो। तो ऐसे करके आप लोग क्लीन कर सकते हो सिंपली, मतलब कोई भी ऐप को टैप कर दो, ऐसे करके आपको टैप कर दो। टैप करने के बाद यहाँ पर फ्री ऐप स्पेस दिया हुआ है, फ्री ऐप स्पेस जाओ और डिलीट आइटम्स लिखा हुआ है यहाँ पर डिलीट आइटम कर दो तो हो गया डिलीट आइटम्स। तो कर देना तो हो जाएगा, ऐसे करके आपका मोबाइल का जो स्पेस है वो सेव हो जाएगा। तो कैसा लगा ट्रिक दोस्तों, जल्दी से अगर ट्रिक अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर ठोक के देना वीडियो में और एक कमेंट भी कर देना। तो चलिए हमारे सेकंड ट्रिक के अंदर चलते हैं। तो सेकंड ट्रिक बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि आँख में बहुत दर्द होता है कि आप लोग अगर अंधेरे में मोबाइल और व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो फिर मतलब वो अगर आप लोग इनेबल कर लेते हो तो फिर आप लोग अंधेरे में व्हाट्सअप यूज़ करने पर भी आप लोगों को आज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सही चलो दोस्तों, तो उसको कैसे इनेबल किया जाए सिंपली दोस्तों बताऊंगा मैं भी वीडियो में। दोस्तों कुछ लोगों को पता होगा ये ट्रिक और मैं किसके बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को पता होगा और जिसको नहीं पता है सो वीडियो देख लेना, पूरा वीडियो देख लेना दोस्तों। तो एक लाइक ठोक के जाना दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। तो वो ट्रिक कैसे करते हैं, इनेबल डार्क थीम, मतलब वो मैं जो बात कर रहा हूँ उसका नाम है डार्क थीम, मतलब डार्क थीम कैसे इनेबल करते हैं। सिंपली आप लोग जाना कहाँ पर होगा, थ्री डॉट में, ऐसे थ्री डॉट में जाना होगा और जाने के बाद सेटिंग्स, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर जो देख सकते हो चैट्स में जाना होगा सिंपली। तो चैट्स में जाने के बाद आप लोग यहाँ पे ऊपर देख सकते हो जो थीम्स है, थीम्स में जाना होगा और यहाँ पे देख सकते हो लाइट एंड डार्क लिखा हुआ है। तो आपको जाना होगा डार्क में जाने के बाद ओके क्लिक करते हैं सिंपली, और ओके करते ही यहाँ पे देख सकते हो डार्क थीम इनेबल हो गया है। तो कैसा लगा ट्रिक दोस्तों, देख सकते हो आप लोग डार्क थीम इनेबल हो गया है मेरे व्हाट्सएप पे। दोस्तों आप लोग भी चाहते हो तो ऐसे कर लेना, तो आप लोग इसमें अंधेरे में यूज़ करोगे तो आप लोगों को आँख में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आइस में कोई भी दर्द नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ट्रिक कैसा है दोस्तों, एक लाइक ठोके जाना अगर ट्रिक अच्छा लगे तो। तो चलिए हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रिक में चलते हैं। लास्ट वाला ट्रिक बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग किसी का स्टेटस देखना चाहते हो और आप लोगों को नहीं चाहिए कि उसको पता चले कि आप लोग उसका स्टेटस देख लिया है, तो कैसे वो ट्रिक इनेबल किया जाए, मतलब कैसे वो ट्रिक करे। सिंपली आपको जिसका स्टेटस देखना है और आप लोगों को नहीं चाहिए कि उसको पता चले कि आप लोग उसका स्टेटस देख लिए हो, तो वो ट्रिक कैसे इनेबल करें, मतलब सिंपली आप लोग एक जिस यूजर को आप लोग करना चाहते हो वो ट्रिक, तो उसके ऊपर सिंपली उसमें उसको टैप एंड होल्ड कर लेना, मतलब उस स्टेटस में टैप एंड होल्ड कर लेना सिंपली, और करने के बाद म्यूट कर देना सिंपली। ऐसे इसमें म्यूट करना तो आप लोग आता ही होगा, तो म्यूट करके आप लोग उसका स्टेटस देख लेना सिंपली। म्यूट करने के बाद स्टेटस देख सकते हो सिंपली उसका, तो आप लोग देख भी सकते हो। तो कहाँ पर देख सकते हो, म्यूट अपडेट्स में जाके, तो देख सकते हो म्यूट अपडेट्स में जाके आप लोग उसका स्टेटस देख सकते हो सिंपली। कैसा लगा ट्रिक दोस्तों, अगर आप लोग मतलब ये म्यूट करने के बाद आप लोग उसका स्टेटस देख लिए हो, मतलब देख सकते हो और उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग उसका स्टेटस देख रहे हो, तो कैसा लगा ट्रिक दोस्तों। ट्रिक अच्छा लगा तो लगे सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही था वीडियो। We'll be right back.